सुंदर लाला सची दुलाला नाच तो श्री हरि कीर्तन में सुंदर लाला सची दुलाला नचता श्री हरि कीर्तन में सुंदर लाला सची दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में सुंदर लाला सची दुलाला नाचत श्री हरि सभी लोग हाथ तरी देखे सुंदर लाला सची दुलाला नाचत श्री हरि काशो कपल भाले चंदन तिलक मनोहर अलका तो भे कल्पन भाल चंदन तिलक मनोहर अलका शो भाले चंदन तिलक मनोहर अलका तो भे कपल सुंदर लाला सची दुलाला नचत सिर हरि कीर्तन सुंदर लाला सची दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन सिर चोड़ा दर्शी वाले बन फूल माला दिया पर दूले पहिरन पीत पतंबर सोहे नफुर मोझन चरण रे पीत पतंबर सोहे
कितनों है ये जीवन माजे बनते बजावे राधा कृष्णा
ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा तदा मह्यं राशेश्वर राज राजेश्वर कोपी प्राणधन ठीक था। ज्यादा मोड़ा मोड़ी मत करो।
अखिल रस सिंधु दिन बंधु दया सिंधु भक्तवत्सल भक्तवांछा कल्प तरु रास रासेश्वर राज राजेश्वर गोपी प्राणधन नंदन नंदन भगवान श्री कृष्ण चंद्र की महती कृपा करुणा से जीवन का सर्वोच्च लाभ हो भगवत सेवा भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए श्रीमद् भागवत के माध्यम से जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा के इस शुभ घड़ी में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये हम सब के लिए परम सौभाग्य की बात। कथा सत्र का आज है पंचम सत्र है। इसी संध्या की घड़ी में संध्या की वेला में हम आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं और आशा करते हैं आपका मन आपका चित्त भगवान की भक्ति में भगवान की सेवा में मग्न रहे। कथा प्रसंग के रूप में कल हमने श्रवण किया था प्रेम का स्वरूप क्या होता है और इसी संदर्भ में श्रवण किया था कि भगवान जगन्नाथ जी का ये प्रेम स्वरूप कैसे हुआ, इसके पीछे क्या रहस्य है। शुरू के दिन से आज तक हम कहते आ रहे हैं जब तक व्यक्ति सत्संग नहीं आएगा भगवान के बारे में उनको सुनने को नहीं मिलेगा। बिनु सत्संग न हरि कथा ते ही बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। सत्संग में हरि कथा, हरि कथा का अर्थ होता है तीन कथा, ईश्वर जीव और मान। भगवान है तो कैसा है, हम जीवात्मा हो तो हम भी कैसे हैं और माया हो तो वो कैसी है। व्हाट इज द एक्टिविटीज ऑफ द लॉर्ड एंड हु इज द लॉर्ड, व्हाट इज द सोल एंड व्हाट इज द एक्टिविटीज ऑफ द सोल एंड व्हाट इज द माया एंड व्हाट इज द एक्टिविटीज ऑफ द माया। हरि कथा के अंतर्गत ये तीनों प्रसंग आते हैं, जीव ईश्वर और माया। और सत्संग का मुख्य ध्येय होता है जीवात्मा को भवबंधन से कष्ट से मुक्त दिलाकर भगवान के पास पहुंचाना। साधु गुरु शास्त्र सत्संग ये चारों का एक ही उद्देश्य है जीवात्माओं को कष्ट से उबार कर भगवान तक पहुंचाना। बस इतना ही, इतनी भूमिका है। पर ये सारी बातें कैसे संभव, भगवान को कैसे जाने, जब तक उनकी भक्ति नहीं करेंगे भगवान को जानना मुश्किल है। तो इसी संदर्भ में कल हमने कहा था कि प्रेम किससे कहते हैं, प्रेम की रूपरेखा क्या है और प्रेमी किस प्रकार से प्रेम करता है, वो सब बहुत ही गूढ़ बात है। इसी संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण ये रूप प्रकट करते हैं। कल हम लोगों ने यहाँ तक लिया था कि सभी रानी जब भगवान श्याम सुंदर की ऐसी क्रियाओं को देखती हैं कि माँ क्या होता है रात्रि काल में प्रभु राधे 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 हे ललिते हे विशाखे हे रंग देवी हे सुदेवी हे चित्रलेखा हे इंदुलेखा, इस प्रकार से भगवान प्रलाप करते हैं विलाप करते हैं तो लगता है कि कहीं हमारी सेवा में कोई त्रुटि हो रही होगी। तो इस प्रकार चिंतन में अनेक दिन बीतने के बाद रोहिणी मैया से इसके लोगों ने निवेदन किया और सर्वसम्मति क्रम में जब भगवान श्री कृष्ण सुधर्मा सभा में जाएंगे तो हम लोग रोहिणी मैया से पूछें। तो कल आपने ये सब बारे में इस सब तथ्यों पर आपने सुना था और हमारा प्रसंग कहाँ तक गया था कौन बताएगा, कहाँ हमने रोक दिया था।
मधुर का दर्शन विद्यापति के पास। क्या कह रहे हो, कहाँ थोड़ा था, यहाँ पनीर सब्जी। तो कल प्रसंग कहाँ थोड़ा था, आप नहीं थे, अच्छा आप थे, बाकी जो थे वही कहे। कहाँ तक प्रसंग गया, प्रसंग यहाँ तक गया था। बोलो हाँ बोलो 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 माइक में बोलो। और विद्यापति जब नील माधव का दर्शन करने के लिए गए थे तो ये तो नहीं ना नहीं गए थे जाने वाला। तो विद्यापति ने ललिता से कहा कि तुम्हारे पिताजी प्रत्येक दिन रात्रि काल में जाते हैं और प्रातः काल वापस आते हैं। जब वापस आते हैं उनके शरीर से दिव्य सुगंध निकलती है, चारों ओर सारा वातावरण महा 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 महकता है। यहाँ बात तो ललिता कहती है पूरे पूरी बात को मैंने कह दी थी कल। तो फाइनली ये डिसीजन होता है, विश्वावसु सबर कहता है हाँ बेटी दामाद को तो हम लेके जाएंगे पर इसी शर्त पे लेके जाएंगे, काली पट्टी बंधी जाएगी, रास्ता हम दिखाएंगे नहीं। क्यों क्यों नहीं रास्ता दिखाएंगे, ये प्रेम भक्त अपने प्रभु को अपने हृदय में रखना चाहता है। भक्ति कोई दिखावट वाला काम नहीं है, जैसे व्यक्ति अनमोल चीजों को अपने तिजोरी में एकदम बंद करके रखता है, ऐसा ही भक्ति को दिखाने वाली चीज कोई नहीं। नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा अपनी भगति कथा ना अपने भजन कथा ना कहिए जथा तथा। हम कैसे भजन कर रहे हैं क्या कर रहे हैं दूसरों को मत दिखाओ, एकदम उसको छिपा करके रखो, चुप चुप भजन करो, दूसरा देख ना पाए तब भजन बढ़िया बनता है। जब चुपचाप ब्याज में पैसा रखोगे ना तो ब्याज बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, दिखाओगे तो या लोग मांगेंगे। इसलिए क्या हो गया आप लोग बैठे वहां क्या खड़े हुए थे, भजन खुद भी चुपचाप चुपचाप भजन करना। और प्रेम की बात है, भक्त कभी अपने धन को खोना नहीं चाहता। भगवान भक्त का धन होता है, वो उनका प्राणाधार होता है, वो हृदय सिंहासन पर विराजमान करके रखता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन कदा भ्रता। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं हे चाचा विदुर, भक्त लोग को सभी भगवान को साथ लेकर के चलो, इसलिए संसार में वो ही भक्त चतुर है जो भक्तों की सेवा में लग जाते हैं। क्योंकि भक्तों के पास दो चीज है, भक्त और भगवान। भक्त हृदय में भगवान को धारण किए हुए रहते हैं, इसलिए विश्वावसु के मन में डर बैठा हुआ था, दामाद तो है कहीं मेरे नील माधव पर कोई संकट तो नहीं आएगा। यद्यपि ईश्वर सर्वसमर्थ है, ईश्वर पर कोई प्राकृतिक नियम काम नहीं करता, ईश्वर पर कभी कोई संकट नहीं आ सकता, लेकिन प्रेम के चलते भक्त सोचता है कहीं मेरे प्रभु पर संकट ना आए। भगवान श्री कृष्ण भगवान ही है, पर माँ यशोदा सोचती थी कहीं हमारे बच्चे पर कोई भूत प्रेत न लग जाए, कहीं डाइन ना खा जाए कन्हैया। अरे वो लल्ला इधर देख, तेरा ये दाऊ है ना, ये दो दो लीटर दूध गटक जाता है, कितना मोटा ताजा है।
तू ऐसे ही पतला, तू भी पी ले, कन्हैया मचल जाते थे, नहीं भैया अब ना पियोगे। अरे पी ले भाई, देखो दाऊ दादा की चोटियां कितनी बड़ी है, तेरी भी चोटी बड़ी हो जाएगी। तो कन्हैया एक घूंट दूध पीते थे तो अपनी चोटी में हाथ मारते थे, अरे मैया अब तो चोटी बड़ी होना है, अरे मैया मेरी कब हूँ बढ़े गो चोटी, अरे मैया मेरी चोटी कब बढ़े। तू रोज कहती है दूध पियो रोज दूध पिवाती है, लेकिन चोटी मेरी आज हूँ छोटी गो चोटी, अरे मैया मेरी कब हूँ बढ़े गो चोटी। तो माँ के पास पिता के पास भगवान हमेशा असमर्थ जान पड़ते हैं, यद्यपि सर्वसमर्थ है, विश्व वसु सवर के प्रति भीतर अपने नील माधव के प्रति अपार महत्व था, यही ममता ही हमको भक्ति में आगे बढ़ाती है। ये ममता दो प्रकार की है, ये ममता अगर संसार में होगी तुम्हारी भक्ति कट जाएगी, यही ममता अगर साधु में होगी तो तुम्हारा भजन बन जाएगा। चाबी देखा, चाबी बाएं घुमाओ तो ताला बंद, दाएं घुमाओ तो ताला बंद। प्रसंगम मजरम पासम आत्मनः कवयो विदु, भागवत 3:25 देखो। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनो कवयो विदु स एव साधु सुकृतो मोक्षद्वारम अपावृतम। हे मां आसक्ति ममता उनको संसार से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको जहां सत्संग होता है वहां घंटा बजाना उनको ध्वनि करना ये सब बंद है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है तुम्हारी हू को थोड़ी देर महत्वपूर्ण है। तो ठीक है वो बजाना ठीक है समय पर। तो हम ये कह रहे थे प्रसंगम अजरम पासम आत्मनः कवयो विदुः, कपिल भगवान ने अपनी मां से कहा, मां आसक्ति जो है ये बहुत खतरनाक चीज है, संसार में मेरा बेटा मेरी बेटी मेरी अम्मी मेरे पिताजी मेरी दौलत मेरा 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 अजरम पासम आत्मन है कवयो विदुः, पास पास माने फंदा मिला। अरे तो रोहती समाज में प्रसंगम अजरम पासम, पासम माने फंदा, जब मेरा मेरा कहोगे एक फंदा तुम्हारा गले में लटक जाएगा, क्योंकि संसार में कोई वस्तु तुम्हारी ना थी ना है ना हो। सब एव साधु सुकृतो, वो ही ममता को अगर साधु में लगा दोगे तो तुम्हारा बेड़ा पार होगा। कबीर साहब ने कहा जैसे प्रीति परिवार सो साधु से हो, कहे कबीरा ता दास का पल्ला न पकड़ा को। जो प्रीति परिवार के प्रति है वो ही प्रीति अगर साधु के प्रति हो गई तो वो बंदा निकल जाएगा। जैसे प्रीति परिवार सो सो साधु से हो, कहे कबीरा का दास का पल्ला ना पकड़ा को। इसलिए भगवान से प्रेम करना और भगवान के भक्तों से प्रेम करना
ये मुक्ति का कारण है। परिवार से प्रेम करना और पारिवारिक धन से प्रेम करना ये बंधन का कारण है। अब विचार तुम्हारा है, तुम बंधन में जाना चाहते हो या मुक्ति के राह पर जाना चाहते हो। मिला नहीं, मिल नहीं पाया है, ठीक है, अच्छी बात है, पर पढ़ाई करो। कि कपिल प्रसंग में है, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनो कवयो विदुः सैव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपार। तो नील माधव के प्रति अपार प्रेम। मीराबाई अपने गिरधर लाल को एक मिनट भी छोड़ना नहीं चाहते। आपने देखा है हमारे वृंदावन में राधा रमन लाल को, राधा रमन भगवान, राधा रमन नहीं देखा, देखा आप लोगों में से कोई नहीं देखा राधा रमन, देखा राधा रमन कहाँ थे, नहीं वृंदावन में तो थे, वो किसके पास थे, गोपाल भट्ट से कहाँ थे, उनकी झोली में रहते थे, शालिग्राम के रूप में रहते थे। तो भक्त अपना हृदय में रखता है, जहां भी जाते थे शालिग्राम को ले जाते थे। एक दिन इसी महोत्सव में जो सारे मंदिर में घूम रहे थे, हाँ हाँ बढ़िया श्रृंगार हो रहा है, काश हमारे प्रभु में हाथ पैर होते तो मैं भी श्रृंगार करता। यमुना जी में स्नान करने गए थे, जब वापिस आए देखे जो कपड़ा जो रूम जो झोली थोड़ा ऊंची उठी हुई है, तो हाथ डाल करके देखे वो शालिग्राम नहीं था, वो तो साक्षात राधा रमन लाल थे, दिव्य विग्रह है स्वयं प्रकट। सो कितने ममता हो, हाँ प्राण जाए पर प्रेम ना जाए। हाँ हाँ हाँ, इसको प्रेम कहते। कबीर साहब ने कहा कि प्रेम कोई हाट बाजार में नहीं मिलता, ना ना ना, प्रेम ना हाट बिका है। तो कहां प्रेम मिलता है, तो प्रेम कहां मिलता है, तो प्रेम उसी को मिलता है जो शीश देकर के गुरु की सेवा करता है, उसी को प्रेम की प्राप्ति होती है। ये बंद हो गया तो कोई तार पर नहीं दिया। इधर क्यों ज्यादा बच्चों को हिला हुआ, क्यों क्यों इधर क्या कर रहे हैं, यहां बिल्कुल शांत रखो, कोई इधर उधर नहीं आएगा, इधर से बंद कर दीजिए कपड़ा लगा दिए, इससे ना विक्षेप होता है, सामने तो है आंखों के सामने ही, बंद कर दे आंखें। इसमें सत्संग एक दिव्य क्रिया, ये ब्रह्मचर्या, ब्रह्मचर्या में बिल्कुल एक मन एक ध्यान सब कुछ एकांत हो, बहुत ही कायदा कानून से करना पड़ता है। सो हम निवेदन कर रहे थे प्रेम है, प्रेम कोई हाट बाजार की चीज नहीं है जो मिल जाएगी, ये तो शिष्य को चाहे कि शीश दे कर ले जाए, ये तो प्रेम की बातें हैं ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ ये बंदगी जो है, ये प्रेम जो है, ये ऐसे नहीं, विश्वावसु का विश्वास था को था कि कहीं ये कोई गड़बड़ ना कर, इसलिए पट्टी बांध के ले जा रहे थे। तो दूसरे दिन शाम हुई, विश्वावसु विद्यापति को तैयार किए, पट्टी बांधे, चलिए मेरे संग। पर विद्यापति भी खूब चालाक थे, खूब चतुर थे, ब्राह्मण बुद्धिमान होता है, तो उन्होंने देखा कि ससुर जी हमारे आंखों में काली पट्टी बांध करके हमको लेना चाहते हैं, माने मार्ग हमको नहीं दिखना चाहिए, तो क्या करें। तो रात को सोचते सोचते एक बुद्धि सूझी कि यदि हम कुछ बीज ले जाएं और रास्ते में बीज को डालते हुए चले जाएं, बरसात के दिनों में जैसे पानी के बूंदे गिरेंगी
तो जब बीज में अंकुर फूटेगा तो हमको मार्ग दिख जाएगा। अच्छा, बीज लेके जाएंगे धान गेहूं मोटा मोटा, तो जब गिरेगा खटखट आवाज होगी, नहीं होगी। तो सबसे छोटा बीज उन्होंने कलेक्शन किया, सबसे छोटा बीज कौन सा है? सरसों, बड़ा पतला और फिसलने वाला भी है। धान जल्दी नहीं फिसलेगा, मान लीजिए आप जेब में छेद कर दो धान नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा? क्योंकि धान में आंस है, वो पकड़ लेता है, पर सरसों में फिसलन है तो सरसों गिरेगा। तो विद्यापति ने जो कमर में फेंटा कसा उसमें सरसों का दाना रखा और एक सुराख एक छेद कर दिया, और ससुर दामा चले, कहाँ चले? नील माधव के दर्शन के लिए। कृष्ण गोविंद गोविंद गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोविंद गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोविंद गाते चलो, मन को पितलों के विष से हटाते चलो, मन को पितलों के विष से हटाते चलो, हटाते चलो, मन को पितलों के विष से हटाते चलो, मन को पितलों के विष को हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोविंद वाला है। हाँ, हमारे पास एक्सपर्ट मौजूद है। अरे भाई, तुम्हारा मित्र अलग है, हमारा मित्र अलग है। हर मित्र हर जगह में काम नहीं कर सकता। सो श्री कृष्ण का कीर्तन करते हुए दोनों दामाद और ससुर दोनों चले, और मध्य रात्रि को उस पर्वत की गुफा में पहुंच करके जब विश्वावसु ने विद्यापति की पट्टी खोली, आहा, उस गुफा का अंदर प्रकाशित हो रहा था, ठाकुर जी का विग्रह जगमगा रहे थे। नील सरोरुह नील मणि, नील नवघन श्याम, लाज तन शोभा नील के, अस्ति स्वस्तरुणि कराग्र पिगल कल्प प्रसूना प्लुतं, वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलं, स्रस्त स्रस्त निवाधन विविलसत गोपी सहस्राप्रतम, अखिलोदारं किशोरा कृति। बोलिए नीलमाधव भगवान की। आहा, विद्यापति ने
उस अनुपम सौंदर्य का दर्शन किया है। अद्भुत अतुल्य असम असमूर्ध दिव्य विग्रह को दर्शन करके विद्यापति स्तंभित हुए। हे प्रभु ये कैसा है, कैसा विग्रह है। अरे ये पंखा बार बार देख इधर देख ठीक ठाक करो, इसके तो तीन होगा वहां पे ढीला हो गया। हाँ अब चला तुम्हारे पास कहीं ढीला हो रहा है ठीक करो। फिर बंद हो गया। ढीला काम है, जोड़ तोड़ वाला काम है, ठीक नहीं होता। चला सुमित्रों विद्यापति अद्भुत रूप का दर्शन किए भगवान के सामने, अपने भाव को व्यक्त करते हुए भी छिपाते रहे। अद्भुत रूप है, जब भी कोई दर्शन करता है उनके शरीर में दिव्य भाव प्रकट होता है। विद्यापति शांत रहे क्योंकि ससुर जी है, कहीं गुप्त भाव प्रकट ना हो जाए। दर्शन करने के उपरांत प्रातःकाल आए पर नील माधव की छवि उनके मन में बस गई। जिस इच्छा को लेकर, जिस संकल्प को लेकर इंद्रदिम्न महाराज ने विद्यापति को भेजा था, आज वो संकल्प पूरा हुआ है। विद्यापति का मान मन आनंद में आप नाचने लगा। उनके भीतर मान लो आनंद का सागर की लहरें लोरे खेलने लगे। तो विद्यापति परमानंद में रहा पर मन में ये भाव था कब यहाँ से जाकर के हम महाराज इंद्रदिम्न को समाचार करें। कुछ दिन रहे, बीच बीच में दर्शन करने जाया करते थे क्योंकि उनको पता चल गया था वो जैसे बरसात की बूंदें थोड़ी बहुत गिरी, थोड़ी अंकुर फूटा, तो विद्यापति ने आइडिया लगा करके विद्यापति गए और देखा कि भाई नील माधव जी के स्वरूप को दर्शन किया। ऐसा कई बार गए आए, विद्यापति को पक्का हो गया अब हम राजा को समाचार देंगे, पर राजा आएंगे और नील माधव के दर्शन करेंगे, उनकी भी जो इच्छा है वो पूरी हो जानी चाहिए। तो एक दिन अपनी पत्नी से कहे ललिता, घर से आना बहुत दिन हो गए, एक बार परिवार वर्गों को देखने का मन करता है, आप कहोगी तो हम जाकर घर हुआ है। पति है विश्वास की बात है, पति पत्नी में विश्वास होना बहुत जरूरी है। आज की तारीख में विश्वास की बड़ी कमी आ गई। देवहूति और करदम का जब विवाह हुआ उस प्रसंग में सुखदेव गोस्वामी कहते विश्रम भेड़ा, पत्नी पर पति का पूरा विश्वास होना चाहिए और पत्नी पर पति का पत्नी का पति पर पूरा विश्वास होना चाहिए। पति पत्नी दोनों में विश्वास होना चाहिए और जो पति पत्नी को धोखा देता है निश्चित रूप से वो भी नरक जाएगा और जो पत्नी पति को धोखा देती है वो तो डबल नरक में जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं। पतिवंचक पर पति करई तो घोर गौरव मां परई। तुलसीदास गोस्वामी कहते हैं जो भी स्त्री अपने पति को धोखा देती है उनके लिए गौरव के लिए टिकट पहले से काट दी गई है, एकदम सीधे फ्लाइट में लेकर के गौरव नरक में छोड़ दिया जाए। विश्वास को ललिता ने कहा ठीक है अब चलिए। विद्यापति शुभ समाचार लेकर गए, उनके भाव को देखकर इंद्रदिम्न महाराज को विश्वास हो गया कि काम सफल हुआ है। इंद्रदिम्न महाराज ने पूछा हे ब्राह्मण हे विद्यापति जी क्या आप अपने कार्य में सफल हुए हैं। जी महाराज हमने उत्कल प्रदेश के पूर्व भाग में एक वन प्रांत में
एक पर्वत की गुफा में मैंने भगवान के दर्शन किए और उनके मुख्य पुजारी है श्री विश्वावसु सबर। अच्छा ठीक है, फिर तो हम जाएंगे दर्शन के लिए। तो इंद्रदीप ने पूरी सेना के साथ मालवा क्षेत्र से उड़ीसा प्रदेश के लिए चल पड़े। पात्र मंत्री सेना चतुरंगणी सेना हाथी घोड़े रथ सब हैं। इंद्रदीप महाराज आए, नील माधव कहाँ थे? आज वो नील माधव जगन्नाथपुरी से लगभग 140 किलोमीटर दूरी पर एक नदी बहती है जिस नदी का नाम है महानदी, जो छत्तीसगढ़ के अमरकंटक से निकलती है। जहाँ से नर्मदा निकलती है वहीं से महानदी भी निकलती है। हमने देखा है अमरकंटक तो गए, कई बार गए हैं। सो महानदी के किनारे एक ऊंचा पर्वत उसी गुफा में नील माधव जी की पूजा होती है। हम अभी पिछले जनवरी को गए थे जगन्नाथपुरी, हमारे साथ कुछ भक्त थे तो हम लोग नील माधव दर्शन के लिए गए थे। आज ही वहाँ सवरपल्ली है, सवर माने जंगली लोग जो है, और नील माधव भगवान की सेवा का अधिकार उन सवरपल्ली पर है। वहाँ के जो पंडे है वहाँ सवरी आज भी सेवा करते हैं। तो इंद्रदमन महाराज विद्यापति को लेकर के चले, जब वहाँ जाकर के पहुँचे उस पर्वत की गुफा में, उस गुफा में गए पर वहाँ नील माधव जी नहीं थे। नील माधव जी थे, राजा को डाउट हो गई, विद्यापति तुमने हमसे धोखा किया है। महाराज हमने धोखा नहीं किया। तो उस समय उस सवर को बुलाया गया जो विश्वावसु सवर थे, सवरराज उनको बुलाया। तो उन्होंने देखा कि दामाद है और इंद्रदमन महाराज है, वो कहने से पहले उनको अरेस्ट कर लिया। आपने कहीं नील माधव को लेकर रखा है? वो तो बेचारे रो पड़े, नहीं भगवान, वो तो देखे जो वेदी एकदम शून्य पड़ी थी, वो रोने लगे, हे नील माधव आप कहाँ चले गए, हे मेरे प्राण के टुकड़े, हे मेरे प्राणनाथ। वो वहां विलाप करने लगे। उनकी ऐसी दशा देख करके इंद्रदमन ने पूछा, फिर कहाँ है भगवान, है कहाँ? देखो कितनी परीक्षा भक्त पर होती है। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे महाराज इंद्रदमन, ये मेरा सेवक विश्वावसु है, इनका कोई दोष नहीं है, इनको मुक्त कर दो और नील माधव के रूप में हमारी पूजा की अवधि समाप्त हो चुकी है। हे विश्वावसु, इसी जीवन में और आप मुझे मेरा दर्शन प्राप्त नहीं कर सकोगे। राजा को और दुख हुआ, एक तो दुख हुआ था कि चलो नील माधव के रूप में, पर नील माधव के दर्शन के लिए जब आए, नील माधव वहां आकाश में कह रहे अब दर्शन नहीं हो पाएगा, तो क्या करे? देखो प्रेम की परीक्षा है, थोड़ा सा कुछ होता है हम पीछे हट जाते हैं। यदि भजन करते करते थोड़ा कुछ शरीर में फोड़ा हो गया ना, पत्नी कहेगी देखा हम कह रहे थे भजन मत करो, तुमने भजन किया फोड़ा हुआ, इसलिए छोड़ दो, है ना। थोड़ा बहुत कुछ होता है हम भजन छोड़ देते हैं। पर इंद्रदमन मालवा क्षेत्र से वहां आए नील माधव, फिर उनको कहे कि ना दर्शन नहीं होगा। तो कहां दर्शन होगा? ये राजन, कलयुग में हम दर्शन देंगे नील पर्वत पर। ये नील पर्वत किधर है? बोले बंगाल की खाड़ी में नील पर्वत है, उस नील पर्वत पे आप मेरा दर्शन करोगे, वहीं मेरा मंदिर बनवाओ। तो ये आकाशवाणी करके नील माधव अंतरित हो, राजा सेना के साथ फिर यही आए। देखो ये सारी जो बातें हैं ना, ये प्रेम की बातें, बिना प्रेम का एक कुछ नहीं होगा। जहां प्रेम होता है वहीं व्यक्ति सैक्रिफाइस करता है, काम होता तो चला ही जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम का परिचय दिया, चैतन्य महाप्रभु का शास्त्र तो प्रेम शास्त्र है। चैतन्य महाप्रभु के गुरु का नाम था ईश्वरपुरी और ईश्वरपुरी के गुरु भाई का नाम था रामचंद्रपुरी और दोनों थे माधवपुरी के शिष्य। जब माधवपुरी वृद्ध हो गए उस समय ईश्वरपुरी
उनकी सारी सेवा करते थे, उनको शौच करने लेके जाना, उनको स्नान करा देना, उनको भोजन पवा देना, उनके अंग में वस्त्र धारण करा देना और भगवान की लीला कथा सुनाना। पर रामचंद्र पुरी थे, आप ब्रह्म रूप, आपको क्या दुख है, आप ब्रह्म चिंतन करो। माधवेंद्र पुरी को बहुत क्रोध आया, बोला शिष्य होकर के गुरु को उपदेश करता है, शर्माता नहीं है, शर्म नहीं आती तुझे, मेरे सामने से भाग जाओ। उन्होंने उनको दंड दिया। चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी लिखते हैं, आहा, अनुग्रह निग्रह ये दोनों प्रतीक, गुरु कृपा और गुरु का दुराव, गुरु ने जिनको छोड़ दिया तो उसका क्या परिणाम हुआ। बोले परिणाम हुआ, गुरु कृपा का फल हुआ ईश्वर पूरी प्रेम के भंडार, जिनके शिष्य बने चैतन्य महाप्रभु, और गुरु ने जो त्याग दिया उसका परिणाम हुआ रामचंद्र सबकी निंदा करने लगा, यहां तक कि जगन्नाथपुरी में भी निंदा करते थे। सही है ते ईश्वर पुरी प्रेमेर सागर, रामचंद्र पुरी है ना सर्व निंदा कर। इसलिए किसी की निंदा ना करो, और गुरु की सेवा संतों की सेवा खूब मनपान सिस्टम से करो। सही है ते ईश्वर पुरी प्रेमेर सागर, रामचंद्र पुरी हैल सर्व निंदा का। सही है ते, इसलिए मित्रों इंद्रदिम्न की ये तरह तरह की परीक्षा है। मालवा क्षेत्र से आए, कहाँ राज्य है कहाँ प्रजा है सब भुला दिया। यही तो महाप्रभु ने कहा, न धनम न जनम, न धनम न जनम न कवितम, कवितम सुंदरी नहीं, तो शब्द छूट रहा है, न धनम न जनम न सुंदरी कवितम व जगदीश काम है, एक शब्द छूटने से पता चल जाए, न धनम न जनम न सुंदरी कविताम जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरी भवतां भक्ति महेतुपि त्वयि। के लोगों को गर्मी लगती है, सब लोग पंखा करते हैं। मैं शुरू से मैनेजमेंट से कहता, मैं तो ऊपर से पंखा क्यों नहीं लट गए ना, प्रभु से हो जाए, ऐसा नहीं होता है। ये बहुत प्लान से इसे वो सत्संग का कार्यक्रम करना पड़ता है। अब बेचारा हम तो पंखा में बैठे हैं, हमारे श्रोता कितने दुख में बैठे हैं। ये जो छोटा छोटा पंखा एक रख दिया वो तो सीधा सीधा जब बैठता है उधर को हवा जाएगी। मैंने शुरू के दिन कहा था, मैंने तो ऊपर से क्यों नहीं पंखा लटकाया, 8-10 पंखा लटका देते। अब कितने गर्मी देखो, सारे माताएं वो रुमाल हिला रही है। टेंट वाले आप लोगों को बुद्धि नहीं है कि पंखा लटकाना, भाई गर्मी होती है हर चीज को ना बहुत बहुत सोच समझ कर करना पड़ता है। मैं देखता देखो कई लोग, सारे लोग लगभग पंखा जल रहे, ये छोटे छोटे पंखा में क्या होगा। आप लोग कहते हो कि इतना दिन से सत्संग करवा रहे हैं, कोई प्लानिंग फिर से नहीं, गर्मी गर्मी नहीं लगती, गर्मी होती है तो जो मिनट पंखा बंद हो जाता है हमको गर्म। अरे फिर गर्मी बंद हो गया चल रहा है माइक को, करंट अप डाउन हो रहा है क्या। चलो सो मित्रों, ये प्रेम का पाठ है। विद्यापति और इंद्रदिम्न महाराज और गांव वापस नहीं गए, अपने शहर वापस नहीं गए, वहीं से जगन्नाथपुरी चले नील पर्वत पर। तो नील पर्वत में मंदिर बनवाए,
इतने कारीगर कितने साल तक मंदिर बना, और प्रभुपाद जी कहते हैं विश्व का सबसे सुंदरतम और सबसे वैज्ञानिक मंदिर है जगन्नाथ मंदिर। हम खुद प्रमाण है, हमारा मंदिर इस्कॉन वृंदावन में कितने साल पहले बना, 1976 ऐसे 77-78 में ही बना, तो कितने साल हुए, 20-45 साल। अब वो दरवाजा को तोड़ो, छोटा से बड़ा बनाओ, ये करो वो करो, कितना बार हो गया। पर जगन्नाथ मंदिर कब से बना था, दरवाजे पहले से आइडिया करके बनाए, इतने बड़े बड़े दरवाजे हैं, कभी वो छोटे पड़ेंगे नहीं। सोचो सबके लोग बुद्धिमान थे क्या, उनके लोग है कि नहीं, आप तो देखे वृंदावन, ये तोड़ो वो जोड़ो, वो तोड़ो वो जोड़ो, लेकिन एक बार बना दिया राजा ने, कहीं कितने हजार साल पहले, आज भी कितना सुंदर है। इससे पता चलता है कि भगवत कृपा से जो काम होता है वो सटीक होता है, अपनी कल्पना से करने से गड़बड़ होता है। इंद्रद्युम्न महाराज ने मंदिर बनवाया, और मंदिर बनवाने जो कारीगर है वो सारे कछुए हो गए, इतनी मेहनत किए सारे कछुए हो गए। तो जो सरोवर खुदा गया उसमें सब कछुए, आज भी देख सकते हो सारे कछुए हैं, प्रैक्टिकल है, जाकर देखो। सुमित्रों इंद्रद्युम्न महाराज ने मंदिर बनवाया, मंदिर बनाने के लिए फिर और समस्या है, विग्रह। आकाशवाणी, हे राजा, ये नील माधव झा ना, मैं भूल गया था ये बात कहने में, उसी समय आकाशवाणी हुई कि मैं दारू रूप में सागर में तैरता हुआ आऊंगा, और उस दारू को लेकर के मेरा दारू विग्रह बनाओ, और उस विग्रह में हम आपको दर्शन दें। राजा कितनी चुनौती, वहां से वहां आए नीलमाधव, नीलमाधव से जगन्नाथपुरी। तो मंदिर बनवा दिया गया, सुंदर मंदिर। अब विग्रह नहीं है, विग्रह ना हो तो मंदिर की सुंदरता क्या है, कुछ नहीं। इतना सुंदर मंदिर, वाकई हम तो दुनिया घूमते हैं पर जगन्नाथ मंदिर जैसा मंदिर ना, नाम हो तो ना भविष्य में गए हो मंदिर, कितने लोग पूरी गए हो मेरे भाई, सबको लेके जाओ, इसी साल जाओ, क्या पैसा रख के करोगे, थोड़ा थोड़ा पैसा उस गुल्लक में डालो, 10-20 हजार हो जाए। देखो जीवन में कलयुग का तीर्थ है जगन्नाथपुरी, कम से कम सनातन धर्म तो हो, एक बार तो पूरी जाके जगन्नाथ से आंख मिला के आ जाओ। प्रभु आए थे, आए थे तो इतना तो कर सकते हो, वही डेली डेली घर में वो चूल्हे के पास आप कितने दिन तक रहोगे, वही चपाती वही भात वही दाल, कल भी परसों 20 साल से दुर्भाग्य। आज इतने माता जी लोग बैठे हैं, अपने पतियों से कहो भाई आप हमको पूरी लेके चलो, कम से कम एक बार जगन्नाथ जी के दर्शन करके आ जाए। बड़ा सुंदर मंदिर,